चलते वक्त भी, हम लौटते वक्त भी इसी सर्किट हाउस में रुके हैं ना। हाँ वो देखिए इतना अच्छा मौसम, इसके लिए क्या थी अभी बहुत बड़े बड़े रोज आए और यहाँ पर टेम्परेचर है 20 डिग्री और बबली हमारे वहाँ प्लेन एरिया में है 40 से ज्यादा। सुहावना सा मौसम है, अच्छा होता जा रहा है। गाड़ी बहुत गंदी हो रही है और बस अब रास्ते में देखते हैं के लिए, वरना तो 2 घंटे नीचे उतर के फिर खाएंगे। हाँ, सही है चले। अभी हम ना नीचे की तरफ जाने हैं, लेकिन आज है ना बहुत अच्छा मौसम है, बहुत तेज बादल हो रखे हैं और धूप नहीं है बिल्कुल भी, देखो बहुत ही अच्छा मौसम है। हाँ, देखो यहाँ निचली हाइट पर भी ना इतना अच्छा मौसम हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा है, कभी भी बादल हो जाते हैं यहाँ पे। देखो पूरा काला हो रहा है इधर, ऐसे लग रहा है बारिश आएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा व्हाइट हो गया है, पूरा व्हाइट, वो बादल देखो कैसे चल के आ रहा है, तितली है या बड़ा पता नहीं। निखिल देखो बादल कैसे चल के आ रहा है ना, वाह। और ये देखो नीचे का नजारा, डर लगता है, बहुत ही सुंदर, पूरा व्हाइट, ऐसे लग रहा है कि कोहरा छा रहा है पूरा। मस्त, एकदम मस्त लग रहा है। मत चलो, बादल देखो कितना ज्यादा वो आ गए हैं, हम इतने नीचे आ गए हैं, अभी नीचे जाते जा रहे हैं, लेकिन ना बादल और भी नीचे आते जा रहे हैं। लग रहा है जैसे कोहरा हो, लेकिन कोहरा नहीं है, ये बादल है। ये देखो बादलों के बीच से ही जा रहे हैं बिल्कुल, है ना। बादलों के बीच देखो कैसे उठ रहे हैं निखिल बादल हमारे आगे। हाँ। नैनो आपने बादल छुए हैं? हाँ, छुए। उसको कैसे वो लपेट देता है केले को, वो देखो केले की पत्ती को कैसे। ये देखो ये यहाँ पर काफी अलग तरह का एक पौधा है, व्हाइट और इसकी ग्रीन पत्तियां हैं, व्हाइट फूल है, व्हाइट फूल है, क्या है पता नहीं है, कोई ऑर्किड है किसी तरह का ये भी नहीं पता। नहीं, काफी जगह लग रहा है यहाँ पे रास्ते में। आज मैं यहाँ पे रास्ते में रुकी हूँ ना ये पत्थर लेने के लिए, मुझे एक गोल वाले पत्थर लेके जाना है। अब यहाँ पे नीचे आ गए ना तो धूप है ना। तो गाइस ये जंगली बेल है, इतनी प्यारी बेल है ना, इतनी सुंदर है, देखो बहुत सुंदर बेल है ये। हाँ, ओ वाह कितने प्यारे पत्थर है ना, ये बहुत ही सुंदर। और पानी देखो निखिल, और ये नेचुरली ये पत्थर बन जाते हैं, मैं ना गार्डन में रखने के लिए लेके जाऊंगी ये पत्थर। तो हम ये पत्थर लेने के लिए ना इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके आए हैं। और ये देखो वाह बहुत ही सुंदर है, पत्थर लेने आ गए, लेकिन अब पन्नी लाए नहीं, पन्नी थी है पन्नी, अब यहाँ पे कोई पन्नी दिख नहीं रही है। तो पापा ले, रुको एक ठेला सा तो है, देखते हैं क्या है। ननु आगे मत जा, मैं आगे जाऊंगा, दिमाग मत खा। बस फाइनली आ गए हैं प्लेन एरिया में, बिल्कुल प्लेन वाली रोड पे, सब पहाड़ वूड, अच्छी अच्छा नजारा पीछे छोड़ के आ गए हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि बहुत दिन के बाद नीचे प्लेन एरिया में आया है, क्योंकि बहुत ऊपर जा चुके थे हम पहाड़ के। और बस अभी ना गन्ने का जूस पी रहे हैं निखिल ना गन्ने, और यहाँ का गन्ने का जूस तो बस क्या बताऊं मैं, थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, बहुत टेस्टी है। और थोड़ा ना सफाई से बनाते हैं बहुत अच्छे से, तो बस गन्ने का जूस ला रहे हैं। और ये देखो प्लेन एरिया में आ गए हैं हम, तो पता नहीं यूं लग रहा है एरोप्लेन एकदम से ना नीचे गिरा है, जैसे कि प्लेन एरिया में आते। अच्छा भी लग रहा है, नहीं भी लग रहा, क्योंकि मौसम गंदा है ना, ऊपर का मौसम बहुत अच्छा लेकिन था, थोड़ा अपनापन लग रहा है। हाँ, नन्नू का अपनापन सा लग रहा है, क्योंकि नन्नू को ना रास्ते थोड़ा खाना है ना, घुमावदार रास्ते नहीं, और थोड़ा खाना है ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का है उन लोगों का, वो चावल और वो थोड़ा मतलब वो सब चीजें मिलती नहीं है। रोटी बस आज सुबह खाई जब थोड़ी ठीक थी, अदरवाइज चावल की रोटी मिलती है। सब्जी में ना ऑयल थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, अदरवाइज ना मसाला ना के बराबर, बॉइल्ड चीजें खाते हैं बिल्कुल, तो हम तो बॉइल खा के ना अब है ना कुरकुरे खाए हैं तब ठीक लग रहा है। लेकिन वो कह रहे थे मैम हम तो बिल्कुल भी मिर्ची डालते ही नहीं है, मसाला डालते ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो गन्ने का जूस कितना मस्त है, मीठा कम, इतना बड़ा मौसमी के जितना बड़ा लेमन है इसके अंदर। हाँ बहुत मस्त है। मेरे पीछे पानी की बोतल देख लो, 3 और ये 3, 6 दोनों तरफ, और उधर निखिल नैनू के और उनकी अलग हैं, दो दो
हम मतलब सफर में पानी पीते हुए जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम ना आसाम में चल रहे हैं। सो मैंने मुझे ना जाते टाइम लगा था कि मैं ना ये जो यहाँ के बैम्बू से बनती है ना जो चीजें, बास्केट वगैरह और जो बैठने के ना निकल चेयर वगैरह भी बने हुए ना, वो बहुत सुंदर है, इतना प्यारा है ना। तो चेयर वगैरह तो नहीं लेके जा सकते, तो मैं सोच रही हूँ दो मुड्डा जो होते हैं ना बैठने के, जो गाड़ी में आ जाएंगे वो ले जाऊं, और कुछ ना छोटे छोटे ऐसे छोटी सी बास्केट और जो रोटी वगैरह रखने के लिए होते हैं वो लेके जाऊंगी, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अब पीछे ना दुकान चली गई है दो, तो जो निखिल को नहीं दिखी थी मुझे दिखी थी, और थोड़ा साइड भी अलग था उनका, तो मैं अभी हम वो ही देख रहे हैं। और जब से देखने लग गए ना तब से बस आनी भी बंद हो गई है। अब यहाँ पे आए और आसाम की चाय पत्ती नहीं ले गए, और ये बैम्बू से बनी हुई ये लकड़ी की चीजें नहीं ले गए, तो और क्या बैम्बू शूट करी यहाँ, क्योंकि सबसे फेमस शायद यही है। लेकिन ना गलत बात है ऐसे कि ज्यादा ऐसे बेच नहीं रहे ये चीजें, है ना, बिकते नहीं होंगे तभी नहीं बेच रहे, बेचना चाहिए इसे। देखते हैं अभी कोई आगे आ जाए, काश एक मिला दो है, देखते हैं। अब हमारे जैसा खाना तो यहाँ पे ना मिलना मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कैसे मिलेगा। कुछ फास्ट फूड खा लेंगे, बहुत भूख लग रही है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। वाला जो नींबू है ना सीडलेस है ना, ये यहाँ पे मिलता है, कम है, सीडलेस का दुकान है, कम है, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ा होता है ना, अच्छा होता है। और ये सैलेड तो आ गया है हमारा, मैं मुझे वो चीजें दिख गई हैं, जैसे हम खाना खा के निकले ना मुझे वो चीजें दिख गए, और सबसे बड़ी शॉप यही है मुझे पता है। मैं देखते हैं ये चाहिए मुझे, अभी देखते हैं क्या लेंगे। निखिल ये क्या है बता दो, लैम्प, लैम्प, ये लैम्प के लिए है देखो, है ना, ट्रे भी है। मुझे ये मुड्डा अच्छा लग रहा है, नहीं आएगा क्या हमारे उसमें वो मुड्डे, कितना प्यारा है ना। इसमें चाय पी सकते हैं इस मग्गे में, वाओ यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं ना। निखिल ये देखो कितना प्यारा लैंप है। और ये वाली चेयर भैया, ये वाली चेयर मैं भैया, इसका छोटा भी है क्या, ये बुक्स वगैरह रखने का जो है छोटे साइज में है, छोटा नहीं है इसका। ये झूले देखो, गार्डन झूले है ना, ये कितने का है, ये कितने का है, खेल ये बड़े वाला 2500 का है, ये बहुत सुंदर है, ये 7000 जोड़ा है, जोड़ा। लेकिन निखिल लेके कैसे जाएंगे हम, तो बस ये लेके जा सकते हैं गाड़ी में, और छोटे वाला वो ये वाला जाएगा ये चला जाएगा गाड़ी में, कितने का है छोटे वाला जोड़ा, 2500 है? ये ज्यादा का पेयर है, 5000 का पेयर ना, तो केवल मेरे न्यूज़ न्यूज़ पे है, अच्छा न्यूज़ पे, हां ये है वो, यही तो मैं पूछ रही हूं, इसका छोटा भी आता है, एक है ये, इतना ही है, इतना ही वाला दूसरा है, वो वाला दो है, वो वाला 1800 भैया, सही रेट लगा दो सब चीजों के, ज्यादा ज्यादा, हां बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप, हम पीछे भी पूछ के आए हैं, पीछे भी पूछा है, ये देखो कितना प्यारा है निखिल, वुडन की, ये कितना है, क्या कह रहे हैं, 800 बोल रहे हैं, और ये गेंदे वाला, अलग अलग क्वालिटी है। तो गाइस इतनी प्यारी प्यारी चीजें, लेकिन भैया का प्राइस कौन सा है आपको सबसे स्टार्टिंग प्राइस, कितना प्यारा चीजें है ना, 2500 मुझे तो लग रहा है मैं पूरा देखती ही रहूं, पहले पहले देखती हूँ फिर लेती हूँ क्या लूंगी, देखते हैं। ये बहुत प्यारा है ये, है ना निखिल, ये कह रही हूँ मैं, ऐसे मुड्डे ले लो ना हमारे लिए, ये रेट ज्यादा लगा रहे हैं, तो हाँ भैया बहुत लगा रहे हैं, मुझे पता है आप ही, वाओ ये देखो गाइस कितना प्यारा है, वुडन कोम है रियल में, भैया ये रियल में वुडन कोम है, वाओ कितना प्यारा है, कितने का है ये, 120 ठीक है, लाओ चीजें इकट्ठी करना शुरू कर, भगवान कृष्ण जैसा कुछ है इसमें, इसमें नहीं होगा लेकिन दूसरा में है, नेचुरल वाले ये जो भैया ने दिखाए हैं ये मुझे पसंद है, लेकिन इसमें थे तो दिखाओ वाला भी ऐसा है नहीं, ये तो थोड़ा ज्यादा वो नहीं, वो खोलने वाला है ना वो, अच्छा है, अच्छा ये ट्राइबल आर्ट ले लेनी चाहिए, ये तो बहुत सुंदर है ये भी, ये कितने का है इस तरह का, आप ले लीजिए लगा लूं क्या, भैया लेकिन मुझे एक वो भी खोल के दिखाना है ना, वो वाला
वो जो आपने खोला था वो वैसे गोला गोल, हाँ पंखे वाला स्टाइल। ये देखो गाइस, ये ना बहुत सुंदर है, मैं कल भी यही शॉप देखी थी जाते हुए। हाँ ये स्टाइल मुझे पसंद है बहुत। वाओ ये अच्छा लगता है, पता है पूरा खुलेगा पूरा आपको, मतलब इसमें वॉल में रखा है, वॉल में लगाने के लिए है। हाँ वॉल में ऐसे करके रखना है। अच्छा वाओ कितना प्यारा है, इसके कलर अलग है, अलग है ना, अलग अलग कलर के है ना, अलग अलग नहीं है जैसा कलर है। तो गाइस ये बताया ये 500 ये लगेगा कैसे, लेकिन समझ नहीं आ रहा। ये देखो बहुत तेज बारिश हो रही है और ओले गिर रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे निकल के रहे हैं, नहीं गिर रहे, गिर रहे हैं छोटे छोटे ओले हैं ना नन्नू। अरे पानी के साथ दिख तो रहे हैं देखो ऊपर से लाइट में, ओले हैं। तो गाइस अभी हम बस होटल देख रहे हैं अभी, क्योंकि टाइम तो बहुत कम हुआ है, लेकिन है ना मौसम थोड़ा खराब हो गया है, पूरी सड़क ओलों की भरी पड़ी है एकदम। तो अभी देखते हैं बस कहाँ रुकेंगे हम लोग, क्योंकि बारिश तो शायद अभी और भी आएगी, तेज भी हो सकती है। गाइस अभी हम रुक गए थे डिनर के लिए, और है ना डिनर में अच्छी दाल जो है ना वो अभी देखने को मिले है। ये अभी नया होटल ही खुला है, एक अंकल ने खुला है, ऊपर ही इनका स्टे करने का है। तो कैसा है तो मेरा है ना अभी बहुत मन कर रहा है, आज मैंने लंच भी नहीं किया। रात के 9 बज गए हैं, बस अभी ना डिनर कर रहे हैं, तो डिनर में है ना अभी चाल देख के और साफ सफाई देख के ना अब बस मन कर रहा है कि अभी मैं कुछ खा लूँ, अदरवाइज मैंने लंच नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने बनवा लिया था लेकिन मेरा मन नहीं किया था, क्योंकि दाल में दाने दिखे वो वाली दाल खाने का मन कर रहा था स्पेशली। और है ना हमने साथ में है ना ठंडी लस्सी ली है, क्योंकि 5 दिन हो गए लस्सी पी रहे, तो ऐसे लग रहा है। तो कैसा है निखिल को पूछ रही थी, कैसा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो खुशबू से ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई चले अभी खाते हैं, फिर मैं आपको रूम दिखाती हूँ, उनका रूम बहुत अच्छा है।